सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुपर नयाब और मैं आज आपको फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं कैरेक्टर रिव्यू करने जा रहा हूं वो बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है मेरा, जो कि है आपका वुल्वरीन, जो कि वेपन एक्स वाले फॉर्म में है। और ये मार्वल लीजेंड्स जब से मेरे पास लॉन्च हुआ था, जब से मैंने इसे आपका क्या बोलते हूँ इसका रिव्यू सुना था, तब से मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि ये इंडिया में लॉन्च हो और मुझे मिल जाए। ये कैरेक्टर मैं हमेशा से चाहता था अपने कलेक्शन में, पर ऐसे मार्वल लीजेंड्स में वेपन एक्स का कोई ऐसा कैरेक्टर लॉन्च नहीं हुआ था। टॉय बीज में था, ये हस्बरो की तरफ से नहीं था कभी भी, और इंडिया में जब अवेलेबल तो था ही नहीं। और जैसे ये इंडिया में अवेलेबल हुआ मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन। ये मैंने फर्स्ट क्राई के थ्रू ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग काफ़ी ही डिस्ट्रॉयड हुआ हुआ है। ये बहुत ही अच्छा पैकेजिंग इन्होंने किया था एक्चुअली में हस्बरो की तरफ से, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये साइड में हमेशा आपका प्रोडक्ट आर्ट रहता, प्रोडक्ट का फोटो रहता था, पर यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि हम लोग ने एक आर्ट दिया हुआ है कैरेक्टर आर्ट टाइप का, और यहाँ पर इन्होंने पूरा कैरेक्टर आर्ट मेरा क्या बोलते हैं एक इनके डिटेल्स के आगे चाप दिया है, मतलब आपका स्टिकर कर दिया है, तो मुझे नहीं दिख पा रहा है। पर जिसके पास ऑनलाइन कोई परचेज़ ना करें अगर, तो शायद उसे ये अच्छा आर्ट मिलेगा। ये खुलेगा पर ये पूरा गंदा हो जाएगा, और ऐसे भी पैकेज पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे ये कॉमिक बुक आर्ट बहुत ही पसंद आ रहा है जो पीछे है, पर मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि मैं इसे पैकेज में रखने वाला नहीं हूँ। इस सीरीज़ मैंने मैंने अभी कोई भी फिगर ऑर्डर किया नहीं है, ये वेपन एक्स पहला फिगर है। मैं चाहता हूँ गैम्बिट और आपका बीस्ट भी ऑर्डर कर लूँ, पर ये बीस्ट और गैम्बिट, गैम्बिट तो अवेलेबल है पर बीस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप और कोई भी फिगर का चाहते हैं मैं परचेस करके ऑर्डर करूँ इस और आपको रिव्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं उसके लिए कर सकूँ। मेरे क्या बोलते हैं, मैं ट्राई करता हूँ जो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फिगर रिव्यू करने का, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं और भी बिज़ी रहता हूँ दूसरे कामों में। मेरे पास और भी मैं फिगर्स कलेक्ट करता हूँ, बट जो फिगर मुझे लगता है रिव्यू करना चाहिए या फिर मैं अपना शोकेस करना चाहता हूँ वही मैं आप लोग के लिए यहाँ लाता हूँ। मैं इसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को मिल जाए ये इसका पूरा ओवरऑल व्यू। और ये देख सकते हैं आप, ये वेपन एक्स हमारे हाथ में, ये आप पैकेजिंग के बाहर, ये फिगर तो मुझे मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही मोल्ड है, पर ये पूरा न्यूड फिगर है ऑलमोस्ट जो है, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका स्कल्पटिंग भी बहुत डिफाइंड आ रहा है, और इसमें कुछ यू सारे ऑलमोस्ट सारे ही रिव्यूज पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट जो हैं, और ये ऊपर में जो हार्नेस वगैरह का पार्ट है वो पूरा नए तरह से मोल्डेड है, क्योंकि स्पेशली वेपन एक्स के लिए। मुझे तो ये फिगर बहुत ही हमेशा से पसंद था जो कि मैं ऑर्डर किया हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसका हेड में जो इसने हेलमेट टाइप का कुछ पहना हुआ है, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इसे पहनाया जाता है, और इसका क्लॉज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास कोई बेंडिंग क्लॉज का कोई इशू तो नहीं है, मेरे पास इसमें सब सारे ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही क्लॉज निकले हैं। ये हम लोग पोस्ट कर सकते हैं इसे थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा हैंड्स नहीं दिए गए हैं हस्बरो की तरफ से। ये देख सकते हैं ये रिमूवेबल क्लॉज हैं। आप मेरे पुराना पैसे पहले मैंने रिव्यू किया है सारे जो वुल्वरीन जो कलेक्शन मेरे पास हैं उसका भी आप देख सकते हैं वो वीडियो, और मैं अभी कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ किसी और वुल्वरीन के कैरेक्टर से, कि ऑलमोस्ट ये कैरेक्टर जो है बाकी आपके वुल्वरीन अगर आपके कलेक्शन में है तो साथ में सेमी मोल्ड में है तो ये फिट बैठेगा ऑलमोस्ट, ये सेमी आइडेंटिकल कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के साथ एक बिल्डर फिगर पीस भी मिलता है हमें, जिसमें मैं कुछ खास इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं क्योंकि मैं शायद पूरा वेब इसका परचेज़ ना कर पाऊँ, और ऐसे भी अवेलेबल है नहीं। और एक और जिसके साथ एक एसेसरीज जो मिलता है, ये आपका हेड स्कल्प्ट है। ये एक्चुअली में ये पैच है, हेड स्कल्प टाइप का ज़्यादा लग रहा है जो पैच कैरेक्टर है वुल्वरीन का, या फिर इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ ओपन करके। ये ऐसे तो ये ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये जब हार्नेस खुल जाएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा ये कैरेक्टर का हेड स्कल्प्ट। ये हम दूसरे वुल्वरीन फिगर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे पास राइडर सीरीज़ वाला भी वुल्वरीन है जो जिसमें हम लोग ये हेड स्कल्प्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हेड चेंज करके। और बाकी मैं ओवरऑल एक बार आपको 360 व्यू दिखा दूं, ये आप डिटेल व्यू देख सकते हैं। मैं अपने उंगली हटा लेता हूं, ये देखिए काफ़ी अच्छा स्कल्प्टिंग है। और जहाँ तक आर्टिकुलेशन का बात है, आर्टिकुलेशन वो सेम आपका एज इट इज़ जो पिछले वुल्वरीन फिगर में था, नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड मार्वल लेजेंड्स का जो आर्टिकुलेशन आता है, ऐसे कोई स्क्रिप्ट इन्होंने आर्टिकुलेशन में इस फिगर में तो नहीं किया है, पर देख सकते हैं थोड़ा इस पर मेरा ये मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ब्लेड वगैरह से काट दूंगा मैं, एक्स्ट्रा पार्ट है प्लास्टिक थोड़ा अवेलेबल इसमें। पीछे भी देखिए ये जो उसने पाइप वगैरह टाइप का कुछ दिया जो ब्लड टाइप का इसमें जा रहा है वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। स्कल्प्टिंग में तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा।
थोड़ा पेंट अगर इसमें और डर्टी टाइप का कुछ पेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के टाइम का वुल्वरिन है, तो बिल्कुल बेसिक ब्लैंक दे दिया है इन्होंने। पर जहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए क्लोज में व्यू दे देता हूँ इसका, आप हेयरी इसका चेस्ट वगैरह और इसके हैंड की तरफ भी हेयरी और इसके लेग की तरफ भी थोड़ा हेयरी इन्होंने पेंट जॉब दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा आया है। और एक बार हम लोग क्लोजली इसका ये वाला हेड स्कर्ट भी देख लेते हैं, ये हेड तो काफ़ी अच्छा आया है। इसमें हम चाहें तो कस्टमाइज़ करके हम लोग थोड़ा बहुत ब्लैक का पेंट वॉश भी कर सकते हैं, जो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे मेटल के ऊपर पेंट ब्लैक पेंट वॉश काफ़ी अच्छा लगता है। और डिटेल्स भी मैं इसे बढ़ा सकता हूँ कुछ पेंट वगैरह करके, ऐसे तो मुझे ये ठीक ठाक आ रहा है। देख लेते हैं ये वाला फिगर, मैं ज़्यादा कैक्टस का डिस्प्ले तो नहीं कर सकता हूँ, पर जो भी है ये काफ़ी अच्छा आया है। डिस्प्लेइंग पर्पज़ के लिए सिंगल ही है, क्योंकि इस टाइप के इसके ये किस कैरेक्टर से डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले शेल्फ में मेरा तो ये शायद सिंगल ही जाएगा। आप देख, आप लोग सारे मेरे कमेंट्स वगैरह करो और बताओ मुझे कि आप कौन सा कैरेक्टर रिव्यू करना देखना चाहते हो मेरे पास। अभी देख सकते हैं एक बार, मैं इसका थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी चेक कर ले रहा हूँ। ये नॉर्मली हम लोग ने जो आपका ब्लू टाइगर स्ट्राइप वुल्वरिन जो हम लोग ने रिव्यू किया था, ये एज इट इज़ उतना ही स्कल्प्टिंग टाइप का, उस टाइप का ही स्कल्प्ट है, सिर्फ एक्स्ट्रा हार्नेस पीस, जो कि कुछ हैंडल भी नहीं करता है कहीं भी, आर्टिकुलेशन में हमें परेशानी भी नहीं होता है हमें। ये देखिए ये ऐप क्रंच भी इसमें अच्छा खासा है, बैक भी ये अच्छा ठीक ठाक बैक देता है। ये आपका 360 होगा पर ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअल में जो कैरेक्टर है वुल्वरिन का, ये वाला एक्स एक्स वेपन एक्स जो है, ये आपके न्यूडी कैरेक्टर होता है। ये इसने अंडर पैंट्स पहने हुए हैं, जो कि एक कॉमिक बुक में लोगों ने न्यूड बना दिया था, पर हम एक टॉय फॉर्म में तो न्यूड नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी खरीदते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। पर इस हिसाब से इन्होंने अच्छा ही किया, स्टेप किया, ब्लैक इसके एक क्या बोलते हैं अंडर पैंट्स टाइप का दिया है, क्योंकि ठीक है न्यूड ऑलमोस्ट पूरा न्यूड ही है ये। ये मुझे एक अगर ऑप्शन आता तो मुझे अच्छा लगता, अगर हम इसे पूरा प्रॉपरली खोल सकते। ये हार्नेस कहीं से खुल रहा नहीं है, ये कैसे इन्होंने डाला है पता नहीं। नॉर्मली हमारे पास जो आता है कहीं ना कहीं से वो पेक रहता है, जिससे हम लोग खोल के पूरा क्लीन लुक में इसको कर सकते, पर इस बार इसमें इन्होंने इसको स्किप कर लिया और पूरा पूरा ऐसा कैरेक्टर में दिया है जो कि पूरा मोल्डेड ही है ये हार्नेस वगैरह। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये हम लोग कैसे भी बहुत ज़्यादा खोल बंद नहीं करता हूँ मैं, पर अगर आता तो ऑप्शन हम लोग शायद कोई कस्टमाइज़र जो कस्टमाइज़ करना चाहे आपके मार्वल एजेंट्स को, वो यूज़ कर सकते थे कोई एक और फिगर के लिए। अभी मैं यहाँ पे अपना रिव्यू रैप करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो मेरे वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी रिव्यू कर सकूँ। आप लोग कमेंट करो आप लोग किस टाइप का वीडियोज़ और देखना चाहते हो। अच्छा, और मैं अपने और कुछ व्लॉगिंग वगैरह का वीडियोज़ भी बनाना का प्लान कर रहा हूँ, जो आप लोग जल्दी मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ बने रहें मेरे साथ, और बाय।